स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सत्रहवें भारतीय महासम्मेलन की, जिसको लेकर इस दौरान महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर सत्रहवें भारतीय सहकारी कांग्रेस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शनिवार को सत्रहवें भारतीय सहकारी महासम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीते 9 सालों की सहकारिता क्षेत्रों में बारे में बदलाव के बारे में बात जानकारी दी, साथ ही सरकार के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा है कि आज हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है, और मैंने लाल किले से कहा है कि हमारे हर लक्ष्य के प्रति के लिए सबका प्रयास जरूरी है। जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई तो हमने सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमने पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया है और अलग बजट का प्रावधान किया है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता आंदोलन हमारे देश में 115 साल पुराना है, जहां आजादी के बाद से सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ये प्रमुख मांग थी कि सहकारिता मंत्रालय को अलग बना दिया जाए। सहकारिता का पूरा कामकाज इसी मंत्रालय के अंतर्गत किया जाएगा। साथ ही अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 75 साल की लंबी हमारी इस मांग को पूरा करके हमें स्वतंत्र मंत्रालय प्रदान किया है, और मैं देख रहा हूं कि स्वतंत्र मंत्रालय बनने से सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं। देश भर के सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख साथियों के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि सहकारिता आंदोलन आजादी से पहले लगभग 115 साल पुराना है हमारे देश में, और आजाद हुए तब से सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक प्रमुख मांग थी कि सहकारिता मंत्रालय को अलग बना लिया जाए। सहकारिता का पूरा कामकाज कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक जॉइंट सेक्रेटरी देखते थे, और इसके कारण सहकारिता क्षेत्र को बढ़ने में, समय अनुकूल परिवर्तन करने में, पारदर्शिता लाने में और देश और विदेश में हुए बदलाव को अपने आप में समाहित करने में ढेर सारी दिक्कत आती थी। पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है, और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए, आप सब सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, मैं आशा करूंगा कि इन आंकड़ों पर आप गौर करेंगे, 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। ये कितनी बड़ी रकम है इसका अंदाजा आप एक और आंकड़े से अगर मैं तुलना करूंगा तो आप आसानी से लगा सकेंगे। 2014 से पहले के 5 वर्षों के कुल कृषि बजट ही मिला दें, 5 साल का एग्रीकल्चर बजट, तो वो 90,000 करोड़ रुपए से कम था। देश भर के सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख साथियों के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि सहकारिता आंदोलन आजादी से पहले लगभग 115। तो बैठन में बात कर लेते हैं महाराज के बुलढाणा हादसे की, जिसको लेकर पीएम मोदी समेत सीएम और डिप्टी सीएम ने दुख जताया है। साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। तो महाराज के बुलढाणा जिले में शुक्रवार को देर रात बस सड़क का भीषण हादसा का शिकार हुई, जहां हादसे में 3 बच्चों समेत 25 लोगों की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक नागपुर से औरंगाबाद रूट पर बस पहले लोहे के खंभे से टकराई और कंट्रोल खोने के बाद ड्राइवर से टकराकर पलट गई,
जहां बुलडाना के इस हादसे के बाद पीएम मोदी से लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे तक सभी ने दुख जाहिर किया है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हुए। बता दें कि बुलडाना बस हादसे में पीएमओ ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के बुलडाना में दर्दनाक बस दुर्घटना के बाद बहुत दुखी हूँ, मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही कहा है कि स्थानीय प्रशासन प्रभावितों की हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस हादसे में मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों के इलाज के खर्च भी राज्य सरकार से उठाने का प्रावधान दिया गया है। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हम जिले के साथ साथ पुलिस प्रशासन के भी संपर्क में हैं और हर तरह की मदद तुरंत मुहैया कराई जा रही है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बुलडाणा जिले में निजी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 35 लोगों की मौत की घटना बेहद चौंकाने वाली है और हृदय विदारक है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सीधे तौर पर बता दें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस घटना में उन्होंने कहा है कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें जल्द ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायलों को सारी मदद मुहैया कराई जा रही है। बता दें कि बुलडाणा में हुए भीषण सड़क हादसे में 26 लोगों की मौत हुई। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। इसके साथ ही वह घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। तो वहीं हादसे के बाद अब इस दौरान राजनीतिक भी इस हादसे को लेकर शुरू हो चुकी है, जहां राज्यसभा सांसद और दूसरे गुट के नेता संजय राउत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि समृद्धि राजमार्ग पर दुर्घटना होना बेहद ही निराशाजनक है। उन्होंने कहा है कि इस सड़क पर पहले से भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई में बीजेपी पूरी तरह से ड्रामेबाज हो चुकी है। बेटर में बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की, जिसको लेकर ठगी का मामला भी सामने आया है। तो 62 दिन की अमरनाथ यात्रा शनिवार से शुरू हो गई है। तो वहीं पवित्र गुफा मंदिर की पहली तस्वीर भी सामने आई है। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे, जहां तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे ने गुफा मंदिर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा 31 अगस्त को खत्म होगी। इस दौरान श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के CEO मनदीप कुमार भंडारी ने बताया है कि अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जहां पिछले साल के मुताबिक ये 10% ज्यादा है और रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी है। जहां अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हुआ था, तो वहीं शनिवार को दूसरा जत्था भी रवाना हो चुका है। इस बीच जम्मू में करीब 300 यात्री ठगी का शिकार होकर जम्मू में फंस गए हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में ऑनलाइन ठगी की जा रही है। ये यात्री उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गाजियाबाद से जम्मू पहुंचे थे। इन लोगों का कहना है कि कुछ टूर ऑपरेटर्स ने अमरनाथ यात्रा के ऑनलाइन पैकेज के नाम पर इन यात्रियों को फर्जी रजिस्ट्रेशन का झांसा दिया है। जानकारी के मुताबिक यात्रियों ने बताया है कि हर यात्री से दस्तावेज के नाम पर 7,000 रुपए ले लिए गए हैं, लेकिन जब अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए यात्री जम्मू पहुंचे तो उनके दस्तावेजों की जाँच की गई, जिसके बाद पता कि टूर ऑपरेटर्स ने जो दस्तावेज उन्हें सौंपे थे वो सभी जाली निकले हैं। इस पूरी घटना के बाद ठगी का शिकार हुए यात्री समेत सब हादसे का शिकार हुए हैं। जहां दरअसल ये सभी श्रद्धालु RFID कार्ड लेने के लिए रजिस्ट्रेशन केंद्र पर पहुंचे थे, तो वहीं श्राइन बोर्ड के पोर्टल पर इनका कोई डेटा मौजूद नहीं मिला, जिसके बाद जम्मू और कठुआ प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले को लेकर जाँच शुरू कर दी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा ने कहा है कि पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और जांच जारी है। इतना ही नहीं, यात्रियों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट जाकर ही रजिस्ट्रेशन कराएं। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं, बिहार में शिक्षक भर्ती नियम में बदलाव को लेकर मचे बवाल की। बिहार में शिक्षक भर्ती में नए नियम पर बवाल छिड़ा हुआ है। बता दें कि बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल को खत्म करने के लिए प्रदेश के शिक्षकों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। जहां बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। यहां अपनी मांग को लेकर वे प्रदेश भर में शिक्षक शनिवार को पटना के गांधी मैदान में गोलबंद हुए। वहीं बड़ी संख्या में गांधी मैदान में पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी यहां
और इस दौरान उन्होंने राज्य भवन तक मार्च किया, जहां विद्यार्थियों ने इस संबंध में पहले ही राज्य सरकार को चेतावनी दी थी। हालांकि इस दौरान गांधी मैदान के पास जेपी गोलबर्ग से लेकर डाक बंगला चौराहे तक काफी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही हंगामे की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर दंगा नियंत्रण वैन भी लगाई गई। इस दौरान आक्रोशित शिक्षक अभ्यर्थियों ने पथराव शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ा। जहां डाक बंगला चौराहे से पुलिस ने उन्हें पटना जंक्शन पर खदेड़ा, तो वहीं इस दौरान पुलिस ने 8 शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। इनमें 2 महिलाएं शामिल हैं, तो सभी को कोतवाली किल से थाना ले जाया गया। दरअसल 27 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षक भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद अभ्यर्थी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां बिहार के युवाओं का कहना है कि इस संशोधन के जरिए बिहार सरकार राज्य के छात्रों का हक मान रही है। बता दें कि नए नियम में बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी बिहार में आवेदन करने की छूट दी है, और इस नए बदलाव के बाद अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले देश का कोई भी नागरिक बिहार में सरकारी शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है, जहां आवेदक के राज्य का स्थायी निवासी होने की जरूरत समाप्त कर दी गई है। इससे पहले शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदक को बिहार का निवासी होना अनिवार्य था। इसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ब्रिटेन के आखिरी में बात कर लेते हैं मौसम की, जहां मौसम विभाग की तरफ से 25 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। तो देश भर के ज्यादातर राज्यों में मानसून की बारिश कहर बनकर बरस रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, असम में झमाझम बारिश की वजह से कई दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जहां जुलाई की शुरुआत के साथ ही मौसम विभाग की चेतावनी ने चिंता बढ़ाने का काम किया है। जहां मौसम विभाग के अनुसार जुलाई में लोगों को झमाझम बारिश की वजह से हो रही दिक्कतों का सामना और भी आगे करना पड़ेगा। जहां मौसम विभाग ने करीब 25 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां भारी बारिश देखने को मिल सकती है, तो वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मध्यम से हल्की बारिश होने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। बता दें कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, और जिन राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरल के साथ साथ बाकी राज्य भी शामिल हैं। बता दें कि जून में के महीने में हुई झमाझम बारिश से लोगों का जीना बहाल कर दिया है, जहां सड़कों पर समुद्र जैसा मंजर हो गया है और घरों में पानी भर गया है, जिससे इस दौरान कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं जुलाई के महीने में भी मौसम विभाग ने मौसम को देखते हुए 25 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। इस लाइव में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ये विश्वास।